दैनी द्वार हमारे गार्डन की फर्स्ट स्ट्रॉबेरी क्या है आज फुल दही पूरी। किसी के मुंह में रस आ रहा है तो कृपया बता सकते हैं। चटकारे तो ना थोड़े चलो अब Hey guys, welcome back to my channel, The Kai Blog. कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, आप सभी की दुआएं हैं। सो आज है 15th मार्च और आज है फूल डे, जो कि हमारे उत्तराखंड का एक लोकप्रिय त्यौहार है, जो कि सारे त्योहारों में एक माना जाता है, काफ़ी अच्छा त्यौहार है। सो वो है आज फूल डे। में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फूल दही डेली में फूल डालते हैं और फूल दही छम्मा दही दैनी द्वार भर को फकार। और एक लाइन और है, यो साल बारंबार, कुछ ऐसी बोलते हैं, मतलब ये साल बारंबार हम बार बार मिलते रहे, तो बच्चे आशीष देते हैं। यही होता है आज के दिन पे। आज अभी मॉर्निंग का टाइम है, हमारी भी पूजा पाठ हो रखी है। खाना पीना आज पूरी रोटी नहीं बनती है, पूरी वगैरह बनता है। सो अभी, और ये तो हो गया ड्यूटी को तैयार, इनका खाना हो गया है, हमारा नहीं हुआ, इनका हो गया है। सो अब आज के दिन को शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सुबह सुबह यहाँ पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि लगा रहे हैं मिस्टर जी गुलाब का फूल। ये देखिए, ये हमारे पास कली थी, हमने इसको दूसरी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बड़ा प्यारा आ रहा है, कसम से पिक्स में। आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा ना, ये हमारे माली लगे हुए हैं घर के, सब देख रेख करते हैं फूलों की। उधर सारे जितने भी लगे, आधा इनका है, आधा ही है। हाँ हाँ, तो आधा ही है। और ये हमारा पपीता का, आपको पता ही है पपीते हमारे अभी हरे हैं, कोई पक नहीं रहा, पानी ना। और ये छोटा पपीता, इसमें भी लग रहा है। गाइस, अपना पिछली बार नर्सरी से जब फूल लाए थे तो हमें स्ट्रॉबेरी का भी लाए थे, और ये देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी लग गई। और मैं सोच रही हूँ, एक यहाँ लगी है और एक यहाँ लगी है, तो मैं अभी इस पर फूल आ रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको क्यों ना तोड़ लूँ। तोड़ जा जी। हमारे गार्डन की फर्स्ट स्ट्रॉबेरी, इसका पेड़ अभी छोटा ही है, उन्होंने बोला था और फैलेगा। ये फूल आ रहे हैं इसमें, देखिए। और तो सब देखे ही हैं आपने, अब मैं इसको थोड़ा खाती हूँ। अरे हो, और ये वाला गुलाब हमारे, इसमें सब नए कली आ रहे हैं इधर पे, और यहाँ पे दूसरी तरफ इतना हो रहा है यहाँ पे। ये गुलाब हमारा गमले में था, हमने इसको जमीन में लगाया, ये इतना फैल गया, आप देख रहे हो, ये और ये दोनों एक ही है, ये इतना फैल गया है आधा, और गमले में बिल्कुल नहीं हो रहा था, हमने यहाँ पे लगा दिया था इसे, ऐसी है। दैनी द्वार, बोलो दैनी द्वार, दैनी द्वार भर को भकार, भर को भकार, जत को देला, सब को देला, उत्कर्ष सही। चलो अब अंदर, तेजू तो पर्स लेके आई है, बढ़िया से तेरी पर्स दिखाओ। ओ माय गॉड, हमारे दूध वाले भी आ गए। दूध, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, क्या है आज? फूल दही। खुश रहो, खूब बड़े हो जाना। चल, स्कूल को जा रहे हैं आज बच्चे सब। ये देखिए हमारी फूल दही तो हो गई, फूल दही। ये देखिए फूल दही दरवाजे में होती है, डेली में करते हैं फूल दही छम्मा दही फूलों से, जिसमें चावल भी हैं और अंदर मंदिर की आप भी कर रखी है। चलो अब हम अपने और अदर काम निपटाते हैं तब तक के लिए। ये देखो कैसा, baby you can
आलू के चिप्स में आज नया ट्राई कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज स्टाइल वाली आलू के चिप्स बना रहे हैं। जो हम पोटैटो कटर लाए थे, इन्होंने अपना हाथ दिखा दिया है। ये देखिए, आज फिर से हम आज बना रहे हैं चिप्स। चिप्स का हमारा चलते रहता है, इसलिए आज हमने फिर चिप्स भिगो के रखे हैं। थोड़ी देर में इनको वही करेंगे, हमेशा की तरह गर्म पानी में उबालेंगे। इसको किचन में रख देना। अभी हो रहा है दिन का टाइम और सुबह पूरी वगैरह खाई थी, उसके बाद सब सो गए। मेरी शक्ल आपको दिख ही रही होगी, थोड़ी सोई सोई सी है। सो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि दिन का टाइम है। सो अब जा रही हूँ आज हम पानी पूरी बनाने। सो आज बहुत टाइम बाद हम पानी पूरी खा रहे हैं, सो पानी पूरी बनाने जा रही हूँ। अब मैं आती हूँ किचन में हमेशा की तरह। आप सभी भी मेरे साथ चलिए और आज बनाएंगे पानी पूरी। ये देखिए, इसमें ये है मेरी खट्टी मीठी चटनी खजूर की वाली, और ये जल्दी रखा पानी, इसमें धनिया है, और ये आप जानते हैं मिक्सचर आलू प्याज का, और उसमें धनिया भी है, और ये हमारे पानी पूरी। किसी के मुंह में रस आ रहा है तो कृपया बता सकते हैं, खाने का मन कर रहा है तो आप 10 रुपये की चार बता सकते हैं, वो भी हम आपके लगा सकते हैं। सो अब हम इसको लेके बाहर चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। मैं आप सभी के लिए एक पानी पूरी बनाती हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगे और मुझे मज़ा आए आपको चिढ़ाने में। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और कहूँ गाइस बहुत वो हो रखा है ये वो अलाना फलाना। सो मैं इसमें ले लेती हूँ आलू। मैंने इसमें आलू ले लिया, दही नहीं ले रहे हम, क्योंकि दही मुझे हमेशा सब्जी के लिए चाहिए, और हम लोग घर पे थोड़ा सा दही बनाते हैं डेली का, तो वो मैं ले कर नहीं सकती। ये मैंने डाली खट्टी मीठी चटनी, ये मेरा पानी पूरी बन चुका है। बोलते ना परफेक्ट वो हो रखा है, बहुत टेस्टी हो। ओके, बनाए मैंने, टेस्टी हो गया। किसी किसी को मजा आया, सच में बहुत टेस्टी हो गया। और हम जाएंगे बाहर खाएंगे, अभी मिस्टर जी के आने में टाइम है। उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है कुछ लाओ। मैंने कहा आज पानी पूरी बन रहा है, इतने खुश हो गए ना, उनका मन बहुत दिन से कर रहा था पानी पूरी खाने का। हमने कहा फिर नवरात्रि आ जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, तो आज हम बना रहे हैं पानी पूरी। अब मैं इनको बाहर ले जाती हूँ, सबके साथ खाएंगे, आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस पानी पूरी हमने खा लिए हैं, तो आप सब ना रिव्यू देंगे एक एक करके कि कैसे बने थे, कैसे हुए थे। बहुत बढ़िया, अभी भी चटकारे आ रहे हैं, चटकारे आ रहे हैं, खा के मजा आ गया ना। खाए कितने पता नहीं चला, किसने कितने खाए। अब मैं आसिफ भाई के पास जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत बिजी इंसान है, पता नहीं देंगे नहीं देंगे। क्या हम आ सकते हैं? अब आप बताएंगे नहीं, पानी पूरी कैसी हुई थी? बढ़िया, मस्त, चटकारे तो लो थोड़े। चलो अब लास्ट बचे हैं ईजा, अब ईजा के पास जाएंगे, क्योंकि और दिन ना सबका हाथ लगता था, आज मैंने ही बनाया ना, और कभी कोई पानी पूरी बनाता था कोई क्या, तो आज हाँ ईजा तो अभी तक मिर्ची कर रही है। हाँ मजा आया था, मजा आया, बहुत बढ़िया बना। थैंक यू सभी का, आप लोगों ने भी देखे ना, सिर्फ थोड़े देर देखे तो हमने खाते वक्त ना ध्यान नहीं दिया, फटाफट खाते रहे। सो अब आप छोड़ दे, आप घूमने जाएंगे, फिर आप पहले बर्तन मलते हैं, फिर घूमने जाएंगे, फिर शाम की तैयारी करेंगे, फिर वही खाना पीना, ठीक है। अब सारे काम निपटा के मैं आई थी छत में, और इतनी अच्छी हवा चल रही है गर्मियों के दिनों में। जो आजकल का मौसम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि आजकल ना इतनी गर्मी ना इतनी ठंड, तो अब शाम के मैं थोड़ा स्वेटर पहन लेती हूँ, तो स्वेटर पहनना अच्छा लगता है, मैं थोड़े से भी बहुत ठंडी लग जाती है। और एक दुख की बात यह है कि मेरा फ़ोन पटक चुका है, मेरा फ़ोन में स्क्रीन में 2 स्क्रैच आ गए, मतलब फ़ोन में स्क्रैच बहुत गंदा लगता है, सो मेरे फ़ोन में 2 बड़े बड़े से स्क्रैच आ गए, बहुत गंदा लग रहा है। अभी छत में आई तो फ़ोन मेरा पटक गया, और साथ में देखिए आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। अब शाम का समय हो रहा है, धूप जा रही है, पर फिर भी धूप बहुत लग रही है छत में। अब मैं भी नीचे चलती हूँ, अपने कपड़े वगैरह तह करती हूँ, फिर रखते हैं, फिर अब मिलूँगी आपको नई वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, और अगर अच्छी लगेगी तो शेयर भी करिएगा। बाय बाय।